Welcome students. Now see the next question of exercise 13.2. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन दिया था, अब आज के इस वीडियो में देखें द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन क्वेश्चन नंबर 10. गिवेन दैट इन फिगर इट इज ए लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 cm. यानी यह 20 cm डायमीटर का एक लैंप शेड है और इसका हाइट है 30 cm. द मार्जिन ऑफ 2.5 cm इज टू बी गिवेन फॉर होल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम. फाइंड हाउ मच क्लॉथ ही रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट. यानी कह रहा है कि इस लैंप सेट को कवर करना है और कवर ऐसे करना है कि क्लॉथ जो है वह टॉप और बॉटम दोनों ओर जो है 2.5 cm लॉन्ग होना चाहिए. सो द हाइट मे बी 30 + 2.5 cm टॉप और 2.5 cm एट बॉटम, यानी टोटल हो गया आपका 35 cm. वेयर डायमीटर इज गिवेन 20 cm, सो रेडियस विल बी 10 cm. अब चूंकि इसे कवर करना है डेकोरेटिव क्लॉथ से, इसे कवर करना है तो क्लॉथ का एरिया फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ लैंप सेट या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ. और यह जो क्लॉथ होगा वह सिलिंड्रिकल शेप में है. इट विल बी 2πRh. हियर 2π = 22/7, r = 10 एंड h = 35. अब 7 से कैंसिल करा दें, 7 × 5 = 22, 2 = 44 × 10 × 5 = 50. सो इट विल बी 0 × 5 = 20 × 5 = 20 × 2 × 5 = 20 × 22 cm². यह जो है इतना cm² जो है क्लॉथ की नीड होगी. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चाहे तो हम इसे मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी राइट एट 22 × 0 × 100 × 100. सो इट विल बी 00 × 00 कैंसिल एंड 2 × 0 = 0.22 m² इज द आंसर. इसी तरह से नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड. यानी कार्डबोर्ड से एक सिलिंड्रिकल पेन होल्डर को प्रिपेयर करना. विच इच पेन होल्डर वाई टू बी ऑफ रेडियस 3 cm. इस पेन होल्डर का रेडियस जो है वह 3 cm एंड द हाइट h 10.5 cm. द विद्यालय वाई टू सप्लाई द कंपटीटर्स विथ कार्डबोर्ड. इफ देयर वेयर 35 कंपटीटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड हाई रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन. अब देखो कह रहा है कि इस प्रकार से एक
सिलिंड्रिकल पेन होल्डर प्रिपेयर करना है जो ओपन है, यानी बेस होगा लेकिन टॉप इसका खुला रहेगा। तो ऐसे टोटल 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड करना होगा। इट मीन एरिया ऑफ कार्डबोर्ड्स फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स, या जो है 35 इंटू हो जाएगा 1 cylindrical pen holder. So it is 35 into, अब एक सिलिंड्रिकल जो पेन होल्डर है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम जो इसका लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे आप प्लस इसमें बेस एरिया को एड कर देना होगा। तो 35 इंटू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इट इज 2πRh और प्लस बेस, तो बेस हो जाएगा बेस यानी एरिया, तो बेस एरिया इज πR2। सो 35, अब देखें पाई आर कॉमन ले सकते हैं, सो इन ब्रैकेट 2H आर प्लस आर, वैल्यू पुट कर ले तो 35 पाई का वैल्यू 22/7 हुआ, आर का वैल्यू 3 है, फिर 2H का वैल्यू दिया है 10.5 और अगेन आर का वैल्यू है 3। अब देखें तो यहां 7 से या 35 कैंसिल हो गया 5000, तो 22, 5 जार 110, 3 जार 330। तो यह हो गया आपका 10.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे 21.0 यानी 21 आप प्लस हो गया 3, तो 330, 21 और 3 ऐड कर दें 24 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर ले 0 24 3 जार 72 इन एंड 7 आर 24 3 जार 72 और 7 79, यह हो गया cm². अब फिर इसे अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 7920/100×100, अब हो गया यह m² यानी 0.7920 आर 0.8 m², यह कार्डबोर्ड का एरिया होगा। तो इस तरह से यह जो है एक्सरसाइज यानी 13.2 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे यानी 13.2 से रिलेटिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स।